आप लोगों को याद है गोविंदा जी को प्रहलाद जी इस इंडस्ट्री में लेके आए और 25 साल के बाद इतनी बड़ी फिल्म बनाई उनके साथ वापस, और लकीली मैं भी हूँ फिल्म में और मेरी और गोविंदा जी की जोड़ी भी अच्छी है, हमारी टाइमिंग अच्छी है। एंड मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये फिल्म मैंने देखी, बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है और हमारे डायरेक्टर सिकंदर जी हैं, सिकंदर खन्ना, सिकंदर हाँ, तो और तीन नई लड़कियाँ, दो नई लड़कियाँ इंट्रोड्यूस की हैं और आप जानते हैं कि इन्होंने किस किस को इंट्रोड्यूस किया है, गोविंदा जी को किया है, चंकी को किया है, नीलम जी को किया है, इवन दिव्या जी को किया है और इवन गोविंद नामदे को किया है और मुझे री इंट्रोड्यूस कर रहे थे एज ए हीरो, पर नो प्रॉब्लम, अच्छा है, मैं नहीं बना। हाँ सर, आपके और गोविंदा सर की जो जोड़ी है हमेशा कमाल की थी, पर्दे पे राजा बाबू हो या और भी कोई फिल्म हो, क्या कहना चाहेंगे कि वो मैजिकल चीज़ इस फिल्म में भी देखी? सर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये सबसे ज़्यादा मैजिकल इस फिल्म में है, क्योंकि हम खुद करते करते हंस हंस के गिर जाते थे, खुद करते करते गोविंदा जी को हंसाना बहुत मुश्किल है, आई मीन वो सबको हंसाते हैं लेकिन शॉट में हंसाना बड़ा मुश्किल, वो हंसते हंसते सब हंसते हंसते, तो आई बिलीव दिस इज़ अ अमेजिंग फिल्म एंड आई प्रे टू गॉड दैट इट शुड डू गुड फॉर एवरीवन। आपकी कल एक और सेंसेशनल फिल्म जर्नी ऑफ फर्मा भी आ रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो कल आ रही है, वो एक डिफरेंट फिल्म है और आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट, बट इधर मैं इस फिल्म के लिए आया हूँ तो अच्छा नहीं लगता। मैंने उस फिल्म में काफ़ी प्रमोशन की है एंड गॉड ब्लेस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म, वेरी नाइस फिल्म एंड इट्स गॉट अ गुड कंटेंट इन द फिल्म, सो गॉड ब्लेस बोथ द फिल्म्स। सर मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा क्योंकि हम यहाँ पे अभी अच्छी बातें प्रहलाद नालानी जी के फिल्म के सक्सेसफुल के लिए, थैंक यू सो मच उन सभी लोगों ने जिन्होंने फ्राइडे देखी और पसंद की। आई वुड टेक दिस वन अपॉर्चुनिटी टू से बिग थैंक्स, ये मेरा टीवी टू फिल्म्स का स्विच था एंड एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, तो अगर ये एक्सेप्टेंस नहीं मिलती तो वियर्ड फीलिंग, बट थैंक यू। दोनों रोल्स में क्या डिफरेंस अगर बात करें तो चैलेंजिंग पार्ट कौन से ज़्यादा मूवी लगा आपको? तीनों ही रोल्स बहुत डिफरेंट थे, जलेबी बहुत डिफरेंट थी, फ्राइडे बहुत डिफरेंट थी, रंगीला राजा तो मतलब बहुत ही अलग है बिकॉज हम डिफरेंट स्पेस एंड डिफरेंट फैमिली कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। फ्राइडे करने का रीज़न भी यही था कि मुझे कुछ क्वर्की करने का मौका मिल रहा था, जलेबी उससे एकदम ऑपोजिट थी तो मैं और ज़्यादा एक्साइटेड थी। रंगीला राजा मैंने जब सुना सारीज एंड यू नो दैट टिपिकल, सो रंगीला राजा में मेरे रोल का नाम शिवरंजनी है जो अपने घर को यू नो फैमिली में वो जैसे हमारी मम्मा होती हैं, लाइक आई लुक एट माई नानी और माँ और somebody जो पूरे फैमिली को कंस्ट्रक्ट करती हैं, शी इज़ वन ऑफ दोज। लुक बहुत डिफरेंट है, यू कैन सी, रोल भी बहुत डिफरेंट है, मारवाड़ी, मुझे मारवाड़ी एक्सेंट पिक करना था जो मुझे सेट पे जाने के बाद पता चला, तो गोविंदा सर ऑलरेडी मारवाड़ी एक्सेंट में बात कर रहे थे, आई वॉज लाइक ये मुझे किसी ने पहले क्यों नहीं बताया, बट आई थिंक वो गूगलीज पसंद है मुझे, सो इट्स नाइस। हम काफ़ी लोग सीरियल से बॉलीवुड में एंट्री करते हैं जी, बट डायरेक्ट लेजेंड के साथ आपको बैक टू बैक काम करने का मौका मिला, कहाँ तक अपने आपको लकी मानती हैं? दैट शुड बहुत लकी मानती हूँ, मैं गोविंदा सर की बहुत बड़ी फैन हूँ, हमेशा से रही हूँ एंड आई थिंक बहुत कम लोग, बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो कुछ बहुत यूनिक करते हैं जिसकी नकल बाकी सब करते हैं एंड गोविंदा सर वो हैं, तो उनके साथ काम करने का मौका यानी इट्स अ ब्लेसिंग मुझे। मैंने कॉमेडी पहले कभी नहीं की थी तो उनके साथ सीक्वेंस में कॉमेडीज करना एक्चुअली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच। ओके 29-30 साल से लव 86 के बाद मैंने पहली फिल्म और फिर पहला जी से सुपर हिट फिल्मों का जो दौर शुरू हुआ वो कभी थमा ही नहीं एंड मेरा ये सोचना है कि अभी तक तो फ्लॉप नहीं आई है कभी फिल्म में और झूठा इल्ज़ाम, फिर शोला शबनम, देन आँखें और अब रंगीला राजा एंड आई फील दैट मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे तारीफ करूँ। आई ऑलवेज फील लाइक आई हैव स्टार्टेड अ न्यू, जैसे न्यू कमर्स कैसे काम करते हैं वैसे शुरुआत फिर हुई और बहुत से ऐसी सरप्राइज जो पहले कभी नहीं देखे गए हों मेरी फिल्मों में ख़ास तौर पे, और साथ में पक्का गोविंदा छाप सिनेमा है, वो तो है ही है थ्रू आउट कॉमेडी
एंड डांस गाना सब चलता रहता है. उसके बावजूद मुझे ये जो फिल्म जो है ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे घर परिवार के लोगों के दिलों को छुएगी, क्योंकि हर घर परिवार में ऐसे रंगीला राजा होते हैं और उन्हें उसे झेलना भी पड़ता है. एंड हंसते हंसते ऐसा मैसेज दिया है इस फिल्म में प्रहलाद जी ने कि जो हर घर परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अच्छे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि वाकई वो अच्छे हैं तो उसे संभालें जिससे हाथ से कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो गई है. और जो मिस्टेक किया है ज़रूरी नहीं है कि वो विलन हो या रॉन्ग हो या गलत हो, वो हीरो निकलता है, क्योंकि हम हर व्यक्ति के अंदर कहीं तो उसमें वो होता है, रंगीला राजा होता है, हीरो होता है, और वो कहीं बाहर निकलता है. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ज़िंदगी जो है वो बेरंग ना हो और रंगीन हो, तो वैसी रंगीन हो के लगे कि हाँ वाकई अच्छा लग रहा है, पूरे घर परिवार में अच्छा लग रहा है. तो वो मुझे ये थॉट बहुत अच्छा लगा, ख़ास तौर पे लेडीज़ जो है मुझे लगता है और यंगस्टर्स उन्हें ये फिल्म जो है ये बहुत छुएगी ऐसा मुझे लगता है. आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू प्रहलाद जी कि जिस वक्त फिर मेरे पास ज़्यादा फिल्में नहीं थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि फ्राइडे ये साइन की हुई थी और ये शुरू हो गई, तो बहुत साल पहले जैसे 1186 और उसके 1186 रिलीज़ होते ही झूठा इल्ज़ाम लगी थी, सेम ऐसा ही हुआ है, वही समय है और फ्राइडे रिलीज़ हुई है. आप लोगों ने बहुत देखी होगी, बहुत पसंद की सभी ने, और अब राजा रंगीला आ रही है. एंड आई फील कि ये हम दोनों की जो 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 ये हिट की ये जो सक्सेस रही है, ये जुड़ी रही है, उससे आगे निकलेगी ये फिल्म, घर परिवार वाले लोग बहुत उसे लाइक करेंगे, पसंद करेंगे. अच्छा, आपने बहुत सारे डबल रोल किए हैं, तो इसमें क्या खास बात है जो आपको चैलेंजिंग बहुत काफ़ी आपने? मैं जैसे कह रहा था कि हर अच्छे आदमी में अच्छाई है, ये हम तब समझ पाते हैं कि जिस वक्त वो किसी की बुराई कैसे निकालता है, तो डिस्कार्ड कर देने से या उसको रॉन्ग समझ के उसे दूर हो जाए या उसका साथ ना दें या उसे गलत समझ के उसे हमेशा के लिए दूर कर दें, ये जैसे थॉट होते हैं, इस थॉट से निकल के वो थॉट है कि कैसे पूरा घर परिवार संभाला जा सकता है, कैसे साथ दिया जा सकता है. और ऐसा व्यक्ति है घर में कि वो रंगीला राजा टाइप है, तो उसे वो कैसे समझाया जा सकता है कि उस पर जिम्मेदारी है घर की कि वो कैसे उसे संभाले, और वो हीरो होगा तो वो हीरो उसमें से बाहर निकलेगा. और मुझे ऐसा लगता है कि ख़ास तौर पे यहाँ पे इमोशंस कभी ख़त्म नहीं होते, वो तो निकल ही आते हैं बाहर हर उसमें, तो उसमें भाइयों का प्रेम नज़र आता है, जो पारिवारिक प्रेम नज़र आता है, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, और हंसी मजाक के साथ निकलता है. तो मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अ सिनेमा आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, इट्स अ सिनेमा एंड देन यू ऑल विल हैव अ ग्रेट टाइम. मुझे मैंने आंखें जिस वक्त फिल्म देखी थी तो मैं कहा था कि मुझे ये शोले नहीं है पर मुझे ऐसा लगता है बहुत मतलब हिट होगी. मैं साफ साफ कहा कि ये शोले नहीं है, आप जैसे आपने सोचा है. ये वैसे ही मैं जिस वक्त फिल्म देख के बाहर निकला तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही हिट जैसे सिनेमा होते हैं. अब वो कैसे कितना कहाँ कैसे निकलेगा कमाल, वो तो समय कह सकता है, परंतु मुझे ऐसा लगा क्योंकि ये ख़ास तौर पे जो लेडीज़ हैं, जो जैसे हम कहते हैं कि पुरुष घर चलाता है, स्त्रियां जो हैं वो दुनिया चलाती हैं, तो वो इसीलिए कि वो सहन करती हैं, प्रेम करती हैं, पूरा घर परिवार साथ में लेके संभाल के चलती हैं, तो उनमें वो क्षमता होती है कि नेगेटिव को धिक्कार दें या बर्बाद कर दें, ऐसी नहीं होती, वो उसे निकाल के कैसे उसको अच्छा कर देती हैं, वो थॉट है इसमें, तो मुझे बहुत टच किया. तो ये
किसी भी हद में निकल सकती है, कैन बी आई थिंक वेरी बिग। सर दिवाली आ रही है, क्या बहुत शुभेच्छा प्रदान करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि बहुत समय ऐसा हुआ कि मुझे लगता है कि 9 वर्ष हो गए मुझे रोल नहीं मिल रहे थे जो जिस तरह के मैंने उम्मीद की थी। जैसे हैप्पी एंडिंग हो तो उसमें मैंने कॉमेडी किया था, किल दिन में मैंने विलन प्ले कर दिया था, परंतु एज ए हीरो मैं आऊँ ये बहुत समय हो गया था। मैंने मेरी फिल्म में ट्राई किया, आ गया हीरो में, परंतु समहाउ वो क्योंकि नोटबंदी के टाइम पे रिलीज़ हुई तो वो उस हिसाब से नहीं चली। फ्राइडे से ये शुरू हुआ है, उम्मीद करता हूँ कि ये सक्सेस का दौर जो है ये पुनः मेरे जीवन में आएगा, उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।